आ जाओ मेरे पढ़ाकू, आज आंखें थोड़ी रोई रोई सी लग रही होंगी। ईमानदारी से बताऊं, आज मैं 2-3 घंटे से रो ही रहा हूँ। मैंने आज एक मूवी चला ली। यूजुअली मैं मूवीज़ देखता नहीं हूँ, ना मेरे पे मूवी देखने का टाइम रहता है। आज मैं आकर के मूवी चला के बैठ गया, हिचकी। मूवी का नाम है हिचकी, रानी मुखर्जी की है, और ये टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप पर आधारित है। और पूरी पिक्चर को देख करके मुझे ये लगा कि सच्चाई ये है कि बच्चे कभी गलत नहीं होते, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। भाई मेरे, गलत टीचर होता है। यदि अच्छा टीचर हो तो उसे कोई भी स्टूडेंट दे दो, वो उसको टॉप करा देगा। यदि मैं किसी को टॉप नहीं करा पा रहा हूँ तो वो बच्चे की गलती नहीं, वो टीचर की गलती है। इसीलिए आज मैंने चश्मा नहीं लगाया। तुम्हें मेरी सच्चाई दिखनी चाहिए कि जब दुखी होता है तो मास्टर कैसे परेशान रहता है। बेटा, परेशान मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं मेहनत नहीं कर रहा या क्या, नहीं। बात यह है कि मुझे भी बदलना होगा, हम टीचर्स को बदलना होगा। हम टीचर्स ठप्पा लगा देते हैं, ये बच्चा बेकार है, वो बच्चा इंटेलिजेंट है, वो बच्चा टॉप करेगा, ये बच्चा डाउन रहेगा। अरे किसको पता है कि कौन बच्चा क्या करेगा मेरे लाल। यदि जी जान से जुट जाओ तो हर बच्चा टॉप करेगा। जो बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता उसे मोटिवेट करना हम टीचर्स का काम है। यदि हम टीचर्स मोटिवेट नहीं कर पा रहे तो ये गलती हमारी है। मैं आपसे सबसे कहूंगा कि जब भी समय मिले, थोड़ा सा समय निकाल करके आप इस मूवी को जरूर देखने की कोशिश करिएगा। ये आपके जीवन में इंस्पिरेशन लाएगी। बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज आती हैं, चली जाती हैं, बड़े बड़े हीरोज होते हैं, स्टार्स होते हैं, लेकिन एक बात बताओ, उनमें शिक्षा कुछ नहीं होती। ये आज की मूवी ने मुझे बीइंग अ टीचर शिक्षा दी है कि भाई, यदि आपको अच्छा टीचर बनना है तो आपको हर बच्चे की भावनाओं को समझना पड़ेगा और बच्चे को बिल्कुल उसी हिसाब से टैकल करना पड़ेगा जिस हिसाब से वो सोचता है। खैर, अब दूसरी बात बताऊं, आज कुछ बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर आप सेंट्रो मास की वीडियो डाल दीजिए। बेटा, क्वालिटी तो बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। शुरुआती दौर में जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस समय मैं माइक का यूज़ कर रहा था जिससे ईको आ रही थी। लेकिन हाँ, यदि आप पढ़ना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट खोलिए, 11th फिजिक्स। शुरुआती वीडियोस में ही आपको मिल जाएंगे सेंट्रोमास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। वो आप देख लीजिए, आपको सेंट्रोमास के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। चलो, मैं वापस अपनी बात पे कंटिन्यू करता हूँ। बेटा, आज मेरा मन कर रहा है, उदास हो रहा है ये मूवी देखने के बाद कि भाई, हम टीचर अपने में क्या बदलाव कर सकते हैं? क्या सारे बदलाव बच्चों को करने हैं? बच्चों को सारे बदलाव नहीं करने, बच्चे तो बेचारे मन के सच्चे होते हैं। हम टीचर्स जो है ना, बहुत लालची कौम है। अब मैं लालची कौम कह रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा। लालची कौम का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता। मान लो क्लास के अंदर मेरे 80 बच्चे बैठे हुए हैं, 3 बच्चों ने बिल्कुल टॉप कर दिया, टॉप 10 के अंदर आ गए, 97% आ गए, उनके फोटो उठाएंगे, सारे अखबारों में छाप देंगे, सारे शहर में बोर्ड लगा देंगे, उनके नाम से हम और बच्चों को खींच लेंगे। लेकिन एक बात बताओ, यदि हमारी क्लास में से एक भी बच्चा 50%, 55%, 60%, 70% पे आया हो, उसका जिम्मेदार क्या मैं नहीं हूं या हमारे टीचिंग कम्युनिटी नहीं है? जिम्मेदार सब हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। सिर्फ हम टॉपर्स का रिजल्ट देखते हैं। सपोज करिए किसी के कंपटीशन के बैच में 5 सिलेक्शन हो गए, हल्ला मचा देंगे, ये 5 सिलेक्शन हो गए, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि मेरे 150 बच्चे या 200 बच्चे सिलेक्ट नहीं भी हुए। बेटा, आज मन की बात ही समझना इसको। बहुत दिल से कह रहा हूं कि आज मेरी आत्मा रो रही है। हम टीचर्स किस रास्ते पर जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता, और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद शायद मेरे टीचर्स दोस्त मेरे से खफा भी हो जाएं। लेकिन आज मैं सच्चाई के 3 पॉइंट आपको बोलूंगा। पहली बात, यदि आपको अपना रिजल्ट बनाना है तो मेहनत आपको ही करनी होगी। टीचर आपको गाइड कर सकता है। मेरठ के अंदर एक से एक बढ़िया गाइड करने वाले टीचर पड़े हुए हैं, लेकिन उसका बेनिफिट कैसे उठाना है ये आपको डिसाइड करना है। यदि आप डिसाइड नहीं करोगे तो आपका कैरियर वैसे ही होगा जैसे हर टीचर के बैच में 100 में से 70-80 बच्चों का होता है, बेकार। दूसरे नंबर पर
हम टीचर्स को ये सोचना होगा कि हर बच्चा इंटेलिजेंट है, हमें अपने मन से ये निकालना पड़ेगा कि बच्चा बेकार है, ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, इस पे ध्यान देने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें हर बच्चे को इंडिविजुअली लेना पड़ेगा। आप सबको पता होगा कि मैं शाम को मान लो 3 से 6 पढ़ाता हूँ, तो 6 बजे से 8 बजे तक सिर्फ डाउट्स बताने के लिए बैठा रहता हूँ। क्यों? एक बात बताओ, बच्चा हमसे ट्यूशन पढ़ेगा तो डाउट पूछने किसके पास जाएगा? डाउट पूछने किसके पास जाएगा? और ऊपर से आजकल यूट्यूब के ज़माने में ये और बढ़िया हो गया है कि मैं जब ज़्यादा बच्चों का एक ही डाउट होता है तो मैं वीडियो बना करके डाल देता हूँ। तो हमें बच्चों के लिए हर समय उपलब्ध रहना पड़ेगा। बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सबको बता भी रखा है, 7088-44-11-88। जरूरी नहीं कि आप मेरे कोचिंग के स्टूडेंट हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो मेरे लाल, यदि आपको डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डालो, यदि वीडियो से पॉसिबल हुआ वीडियो से, और यदि वैसे पॉसिबल हुआ तो मैं आपको रिप्लाई करके व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा। मैं पूरी दुनिया को खुलेआम अपना नंबर बता रहा हूँ, हर वीडियो की शुरुआत में मेरा नंबर रहता है। आपको पूरी एच सी वर्मा, पूरे कंपटीशन के बुक्स, इरोडोव सब सॉल्व कराऊंगा, सारे 12th 11th के नोट्स दूंगा, सब कुछ आपको कराऊंगा। बेटा किसी तरह से, बस मेरी एक ही इच्छा है, इस दुनिया से जाने से पहले जो मेरे दिमाग में है वो सब मैं आपके दिमाग में डाल के चला जाऊं तो मेरी ज़िंदगी सफल है, नहीं तो बेटा हमारे इस दुनिया में आने का फ़ायदा ही नहीं। टीचर उस दिन मर जाता है यदि उसकी क्लास से कोई भी बच्चा बिना समझे वापस चला जाए, ये मेरा मानना है, दिल से मानना है। यदि मेरी क्लास से एक बच्चा बिना समझे चला गया तो उस दिन समझ लो टीचिंग लाइन के हिसाब से मैं बेकार टीचर साबित हो गया। तो मैं बेटा अब क्या बताऊँ, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, थोड़ा मूवीज़ वगैरह देख करके भी हो जाता हूँ, और बाकी इस तरह की इमोशनल मूवी हो तो बस, और वो भी टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन पर। अब एक बात और आप लोगों को बेटा कहूँ, तीसरी बात जो मैं कह रहा था कि बेटा आप लोगों को ना जो मिल गया पेरेंट्स से, आप सोचते हो कि दुनिया में आपने सब कुछ पा लिया, बिल्कुल सब कुछ पा लिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक बात बताओ, पेरेंट्स ने आपके लिए सब कुछ खर्च कर दिया आपके लिए, आपने कहा मुझे वहाँ ट्यूशन पढ़ना है, उन्होंने पैसे निकाल के दे दिए, आपने कहा इसी स्कूल में पढ़ना है, उन्होंने पैसे निकाल के दे दिए, उन्होंने सब कुछ आपके ऊपर झोंक दिया, बदले में आप क्या दोगे उन्हें, क्या दोगे आप उन्हें? यदि आप सिलेक्ट नहीं हुए, आपने मेहनत नहीं करी, आपने कैरियर नहीं बनाया, तो आप क्या दोगे उन्हें? सिर्फ हताशा और निराशा। मजबूरी ये होगी कि पेरेंट्स आपके सामने कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा तुम हमारे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो अकेले में बैठ के रोएंगे कि बेटे के सामने कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेटे को ये लगे कि हम उसे परेशान करना चाह रहे हैं, वो कभी नहीं कहेंगे। बेटा एक बात बताओ, उनका भी तो कोई सपना है, ये मत सोचो उन्हें आपसे कोई उम्मीद है, इम्पॉसिबल है। जो माँ बाप आपको इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो माँ बाप आपको इतने बढ़िया ट्यूशन दिलवा रहे हैं, वो आपके लिए तो छोड़ो अपने लिए भी कर सकते हैं। बात ये है कि आप उनको बदले में क्या देते हो, आपने जो उन्होंने किया उसका रिटर्न क्या दिया? मेरे बेटा उनको आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपका भविष्य चाहिए। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बेटा सक्सेसफुल हो, और आप बनके दिखा सकते हो। हर बच्चे के अंदर एक, जिसे कहते ना, भावना होनी चाहिए, करके दिखाएंगे। आजकल के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं, उन्हें गलत दोस्त मिला, गलत साथ मिला, और वो तुरंत अपना रास्ता भटक करके चल दिए, फिर भूल गए कि माँ बाप ने क्या किया। कोई बात नहीं, वो तो फ़र्ज़ था उनका, वो तो उनका फ़र्ज़ था। और पढ़ाई लिखाई करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है भैया, पढ़ लिख करके कौन सा करोड़ों कमा लेंगे? मेरे बेटा यदि पढ़ाई लिखाई ना हो ना तो बिजनेस भी सब बेकार हो जाते हैं। मैंने बड़े बड़े बिजनेस डूबते हुए देखे हैं। यदि आपका सबऑर्डिनेट आपसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो आप की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी हर बात में आपको कहेगा सर इससे बेटर तो ये हो सकता है। बेटा अपनी पढ़ाई लिखाई को जितना जी जान से कर सकते हो उसे कर लो, और अपने कैरियर को जितना ऊंचा ले जा सकते हो ले जाओ। एक मौका मिला है, जिंदगी के दो हाफ होते हैं, पहला हाफ मैं कहता हूं 25 साल की उम्र तक का, और दूसरा हाफ 25 साल से ऊपर की उम्र तक का। यदि आपने पहले हाफ में 25 साल की उम्र तक खूब मेहनत कर ली, दुनियादारी सब छोड़ के पढ़ाई में जुट गए, तो मेरे बेटा दूसरे हाफ में राजा बन के खाओगे, आपके अंडर में 50 लोग काम करेंगे, आप बिल्कुल बादशाह की तरह शाही जिंदगी जियोगे। और यदि पहले हाफ में आपने मेहनत नहीं करी
पहले हाफ में आपने सारी अपनी लाइफ स्पॉइल कर दी, तो बेटा ये बात पक्की है दूसरे हाफ में उधार मांगते रहना, पैसे कहाँ से आएंगे ये सोचते रहना पूरा 25 साल से लेकर, मैं तो कहूँ ऊपर वाले से कि आप 100 साल जियो, अगले 75 साल दुनिया का मुंह देखते रहना कि दुनिया कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ अटके हैं। अब फैसला आपका है कि भाई शुरू के 25 साल मस्ती काटनी है और बाद के 70-75 साल बेकार करने हैं, या पहले 25 साल मेहनत करनी है और बाद के 75 साल एंजॉय करना है। तो मेरे बेटा, मैं दिमाग से, जिसे कहते ना पागल इंसान हूँ, मैं दिल से सोचता हूँ, आज मेरे जो मन में आया मैंने बोल दिया। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ बेटा, मेरे को किसी चीज़ का लालच नहीं है, मुझे लालच है सिर्फ मेरे बच्चों के रिजल्ट्स का, और उसके लिए जो भी मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर बोलूँगा। और यदि आज की वीडियो आपको बुरी लगी हो ना, डिसलाइक बटन दबाना, बिल्कुल दबाना, और यदि अच्छी लगी हो तो मेरे बेटा मैं ये नहीं कहूँगा लाइक और सब्सक्राइब करना, मैं कहता हूँ पढ़ने में जुट जाना। यदि आप पूरी तरह से पढ़ने में जुट गए तो मैं समझूँगा आज का मेरा सोचना सक्सेसफुल हो गया, आज आपसे बातें करना सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, थोड़ी देर और उदास रहता हूँ, थोड़ी देर और परेशान रहता हूँ, क्योंकि आज मैंने ब्लड भी डोनेट किया है तो थोड़ा सा बीपी भी लो हो रहा था। खैर चलिए कोई बात नहीं, फिर आपसे मुलाकात होगी नए वीडियोस के साथ। सारे कंपटीशन, सारी 11, सारी 12 तीन साल के अंदर मैं YouTube पे डाल दूंगा। किसी बच्चे को पैसे दे करके ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ना रहे, कोशिश में ये लगा हुआ हूँ, लेकिन उसमें समय लगेगा। बस मुझे आपका सहयोग क्या चाहिए बेटा, कहीं ना कहीं जब ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं, ज़्यादा व्यू टाइम होता है, तो टीचर्स का भी मन करता है और कर दे और कर दे और कर दे। तो जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं तो उनसे कह दो, यदि उनको फ़ायदा मिले तो कह दो, यदि उनको आपको लगता है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है मेरी वीडियो से, कोई बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल मत कहो। और यदि आपको लगता है कि भाई उनको बेनिफिट हो जाएगा तो आप उनको कह दीजिए कि वो सब्सक्राइब कर लें, डेली वीडियोज़ देखें, और बाकी मैं दिल से मेहनत करूँगा ये मेरा वादा है, और बाकी आपको सक्सेसफुल कराऊँगा ये पक्का इरादा है। तो ठीक है बेटा, मिलेंगे कल को पढ़ाने की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।